मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सेवा भर्ती नियम 2007 में संशोधन करते हुए मध्य प्रदेश राजपत्र में मेल नर्स को शासकीय जिला चिकित्सालयों में 10% जो मान्य किया गया है उसे 40% किया जाए और न्यूनतम योग्यता बीएससी नर्सिंग की जगह जीएनएम डिप्लोमा किया जाए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली के द्वारा जिन मांगों के आधार 10 और 12 के बाद सभी विषयों में छात्र छात्राओं को जीएनएम क्रम में प्रवेश दिया जाता है उसी आधार पर शासकीय पदों पर नौकरी के लिए योग्य माना जाए, जीएनएम डिप्लोमा वाले छात्र को नौकरी दी जाए। प्राइवेट अस्पतालों में बिना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के जो नर्सिंग संबंधित कार्य अनुचित रूप से कार्यरत है इन लोगों व प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय ने तहसीलदार वैद्यनाथ वासनिक को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं से अवगत कराया। वही पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा था, मांगे पूरी नहीं होने पर 24 जुलाई सोमवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल राजधानी भोपाल में की जाएगी। आज आपने किस समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है? सर, हमारी समस्याएं 2010 से जो मेल नर्सिंग की वैकेंसियां जो बंद थी उसमें मध्य प्रदेश राजपत्र द्वारा लोक कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो संशोधन किया गया है 2007 के नियम में उसमें 10% बीएससी नर्सिंग वालों को मेल नर्सिंग जो जिला चिकित्सालयों में दिया जा रहा है, उसके अलावा जीएनएम वालों को पात्रता नहीं दी गई है। और INCG गाइडलाइन के अनुसार में जीएनएम में एडमिशन लेती है मेल नर्सिंग को और फीमेल नर्सिंग को अदर सब्जेक्ट वालों को, उसके साथ से वो वैकेंसियों के योग्य नहीं होते। तो INC को जो भी INC का रूल्स है कि मतलब जो रजिस्टर्ड मेल नर्स है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसको माना जाए, जिसमें मेल फीमेल हो, बीएससी वाले हो और जीएनएम वाले हो। जीएनएम न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए जो नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगातार अपमान किया जाना मेल नर्सिंग का और फीमेल नर्सिंग का, उसके बाद में 2010 से वैकेंसियाँ बंद है, फीमेल नर्स परेशान हो रहे हैं, मेल नर्स परेशान हो रहे हैं, लाखों विद्यार्थियों के साथ में जो अन्याय किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट का कोई मंत्री अगर मतलब अयोग्य होता है तो उसके लिए वो हाईकोर्ट में स्टे लगाती है और हाईकोर्ट से जीतने की मांग करती है, पर हम लोग हाईकोर्ट से केस जीत चुके हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं, उसके बाद में भी हमारे ऊपर सुनवाई नहीं हो रही। और उसके मंत्री की बात की जाती है नरोत्तम मिश्रा की, उसके लिए गवर्नमेंट इतना प्रयास किया जा रही है, हाईकोर्ट से स्टे नहीं मिला, उसके बाद में वो प्रयास किया जा रही है और हम लोग जहाँ केस जीत चुके हैं। जब भी बताओ शासन का और न्यायालयों का अपमान किया जा रहा है, उनके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। देश में कितने मेल नर्सिंग? हमारे मध्य प्रदेश में 40 से 50 हज़ार मेल नर्सिंग के करीब है जो कि बेरोजगार घूम रहे हैं। 2010 से मेल नर्सिंग में वैकेंसियां बंद की गई है। आपके द्वारा भूख हड़ताल की जाएगी सामूहिक, उसमें क्या करेंगे? 24 तारीख को हमारे द्वारा भूख हड़ताल भोपाल में चिनार पार्क में की जाएगी, जो लगातार जब तक कि हमारी मांगे नहीं मानी जाती। यदि मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? लगातार भूख हड़ताल करेंगे अनिश्चितकालीन। मध्य प्रदेश शासन जो हक की लड़ाई मांगता है, हक की लड़ाई जो बोलता है हमारा हक मांगता है, उसको गोलियां मारती है तो हमको ही मार दे, किसानों को मारी हम लोगों को ही मार दे। हरदा जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल यानी सनफ्लावर इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नए सत्र से CBSE पैटर्न 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए, जिन्होंने स्कूल को गौरवान्वित किया।